अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा व्हील्स, वो भी विदाउट ओवन। उसे हम पैन में बनाएंगे, पतीले में भी नहीं, पैन में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पिज़्ज़ा व्हील्स बनाने के लिए? सबसे पहले हमें डो चाहिए, तो डो मैं तैयार कर चुकी हूँ। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैंने कैसे तैयार की है। मैदा चाहिए हमें 2 कप, अंडा चाहिए 1 अदद, मिल्क पाउडर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, पाउडर चीनी चाहिए हमें 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, नमक चाहिए 1/2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध चाहिए, मैदे में जाएगा मिल्क पाउडर, पाउडर चीनी, ईस्ट जाएगा, नमक। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया, अब इसमें हम अंडा डालेंगे। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन मैं अंडा डाल रही हूँ। ये अंडे के बगैर भी बहुत अच्छी बनेगी ब्रेड। तो ये हमने अंडा डाल दिया, अंडे को मिक्स करेंगे मैदे के साथ। तो ये मिक्स हो गया, अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। तो ये नीम गर्म दूध हम इसमें डाल रहे हैं। आपने दूध का इस्तेमाल इतना करना है कि डो हमारी इस शक्ल में आ जाए। अब इसे हम 15 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे। तो 15 मिनट तक हमने इसे अच्छे से गूंदा। अब इस पे हम ऑयल लगाएंगे, ये 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें चला जाएगा, और इसे फिर से गूंद देंगे। अच्छे से ऑयल मिक्स कर लेंगे इसमें। तब इसका एक पेड़ा बना के इसे रख देंगे कवर करके 2 घंटे के लिए। अब इसे हमने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है। अब इसे हम राइस होने के लिए रखेंगे 1-2 घंटे के लिए। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन रख लें या कोई रुमाल रख लें साफ वाला। तो मेरे पास प्लास्टिक रैप था इसलिए मैंने प्लास्टिक रैप लगाया इसे। अब इसे हम रख देंगे। 1 चिकन की ब्रेस्ट चाहिए जिसको मैंने कट्स लगा के रख लिया है। टिक्का मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून। होममेड टिक्का मसाला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर होममेड नहीं पसंद तो आप शान का टिक्का मसाला ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। सिरका चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। ऑयल चाहिए हमें 1 टीस्पून। ये हो गया चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और जो टॉपिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1 छोटी कटी हुई टमाटर चाहिए बीज निकाल के। 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून। ओरिगेनो चाहिए हस्बे ज़रूरत। ऑलिव चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत, ब्लैक और ग्रीन आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ चटर चीज़ चाहिए, और ये मोज़रेला चीज़ के स्लाइस हैं, ये मैंने लिए हैं, मेरे पास स्लाइस थे तो मैंने स्लाइस ली हैं 3 अदद। तो चिकन को मैरिनेट करेंगे, सबसे पहले सिरका डालेंगे, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, टिक्का मसाला और ये ऑयल, सारा मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये मैरिनेट हो चुका है, अब इसे हम कुक करेंगे। तो पैन में चिकन डाल देंगे और ये जो सारा मसाला है वो भी डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे, तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे हम कुक करेंगे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे हम फिर से कवर कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा कुक हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। और इस चिकन के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, बहुत ही छोटे हमने करना है, जैसे छोटे छोटे चंक्स होते हैं उस तरह हमने इसे काट लेना है। तो ये हमने काट लिया, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, कीमे में आप ये टिक्का मसाला डालें और उसको पका लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इससे भी। अब डो को हमने बेलना है, इसे निकालेंगे। देखिए राइस हो चुकी है, खुश्क मैदे का डस्ट करेंगे, निकाल लेंगे इसे और इसे इस तरह थोड़ा सा मसलेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे।
इस डो को हमने चौड़ाई में बेलना है, गुलाई में नहीं बेलना, क्योंकि इसे हमने रोल करना है। तो ये हमने बेल लिया, नीचे थोड़ा सा हम डस्ट और कर लेंगे कि जब हम पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाएंगे तो ये साथ में चिपक ना जाए। इसे फिर से इस तरह से कर लेंगे सेट। तो ये हो गया, अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो ये सारी पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगा ली, अब इस पर चटर चीज़ डालेंगे। चीज़ डालने के बाद हम इस पर चिकन लगाएंगे। तो सारा का सारा चिकन हमने डाल दिया, अब डालेंगे कटे हुए टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, फिर से चीज़ डालेंगे। तो ये सारा चीज़ चटर हम इस पर डाल देंगे। अब इस पर हम मोज़रेला चीज़ के स्लाइस लगाएंगे। तो आप इस पर कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास स्लाइस है इसलिए मैं स्लाइस डाल रही हूँ। ऐसे नहीं डालना, इसको तोड़ लेंगे हम, इसके हिस्से कर लेंगे। इसी तरह दूसरे का कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम ऑरिगेनो, नहीं है तो मत डालें, और थोड़े से ऑलिव्स भी डाल देंगे। और अब इसे हम रोल करेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से इसे बंद कर देंगे और इसे उठाते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। और ये लास्ट वाले को उठा के इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब इसे हम काट लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा इसे हम इस तरह से साइड पे कर देंगे, काट के इसे हम साइड पे कर देंगे। तो दो उंगलियों के साइज के मुताबिक हम इसे काटेंगे। तो इस तरह आपने इसे काट के साइड पे रखते जाने। तो इसी तरह हम सारे काट लेंगे, ये रखी और इसको देख के। तो ये देखें, ये भी हमने काट लिया, वैसे भी हम साइड पे कर देंगे। तो इसी तरह सारे काट लेंगे। तो सारे पिज़्ज़ा व्हील्स हमने काट लिए हैं, अब इसे हमने पैन में बेक करना है। तो एक पैन लेंगे, तो एक पैन लिया है, पैन बिल्कुल गर्म नहीं है, अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। तो पैन को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और एक एक पिज़्ज़ा व्हील्स इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो फासले फासले पे हम इसे रखते जाएंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, अगर हम फ्लेम को ज़रा सा मीडियम कर देंगे तो वो जो पिज़्ज़ा व्हील्स होंगे वो जल जाएंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे। तो अब इसे हम बेक करेंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके। आप इस पिज़्ज़ा व्हील्स को तवे पे भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन की डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह उसे बेक करना है। तो पिज़्ज़ा व्हील्स हमारे बेक हो चुके हैं, इसे हम निकालेंगे। अब इसे निकाल के सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। जो बाकी के बच गए थे उसे मैंने छोटे पैन में बेक कर लिया। तो ये भी बेक हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये नीचे से भी बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। जो मैंने छोटे पैन में बनाए थे वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। आप इसे पैन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं ओवन की, पैन में भी बहुत अच्छे बनेंगे। पैन में भी और तवे पे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ओवन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओवन नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में आराम से पैन और तवे में बना सकते हैं। आप इस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा व्हील्स को केचप के साथ लें। और दूसरी तरफ हम चिली गार्लिक सॉस रखेंगे। तो तैयार है हमारे विदाउट ओवन पिज़्ज़ा व्हील्स। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।